गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय चैनल। और अभी बज रहे हैं घड़ी में सुबह के 9:15। और देखिए, आज अपनी छत से मैं नीचे का व्यू दिखा रही हूँ। अभी 9:15 हो रहे हैं और धूप देखिए कितनी तप रही है। ऐसा लग रहा है कि दिन के 2:30 बज रहे हैं। तो एक तरफ मशीन में मैंने कपड़े लोड कर दिए थे, वो भी हो रहे हैं। तो क्या होता है, बीच बीच में आके कपड़े भी होते रहते हैं। और ये देखिए, पेड़ जो मैंने लगाए थे अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। अभी मैंने एक बेल लगाई थी पान के आकार की, तो देखिए कितनी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। बड़ा अच्छा लगता है मॉर्निंग में इनको देखना। सुबह उठ के आते ही बाहर पहले देखती हूँ कि कितनी ग्रोथ कर ली है। लगता था ना बचपन में, जैसे कि गुलाब का पेड़ लगाया और कली देख के ऐसा लगता था फटाफट से जाओ और देखो कि गुलाब की कली खिली है कि नहीं खिली है, तो वही फील होता है। तो दोस्तों, आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ बॉयल चने, जो आपने स्ट्रीट फूड पे खाए होंगे कभी, और काफ़ी जगह पे ये मिलते भी हैं। तो मैं घर में बना रही हूँ। तो मैंने रात 2 दिन पहले चनों को भिगो दिया था, और कल मैंने इनको निकाल के पानी में से एक कपड़े में रैप करके गीला करके इन्हें एक तरफ रख दिया था। तो आज मैंने जब उन्हें देखा तो वो थोड़े थोड़े अंकुरित हो चुके थे। तो मैं उनमें एक मैंने एक सीटी लगा दी है, तो पानी सॉरी तो मैंने उसमें नमक हल्दी थोड़ा सा तेल डाल के एक सीटी लगा दी है कुकर में। तो वो भी हो चुके हैं, उनका पानी निकाल के मैंने एक चलनी में रख दिया है। तो उसमें जो डालूँगी, जैसे कि प्याज है, टमाटर, खीरा, हरी मिर्ची, नींबू, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें इसमें मैं ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें कैरी भी डाल सकते हैं जो इस सीज़न में आ रही है, और नींबू की जगह आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं थोड़ा सा पानी मिला के। तो मैं सारी चीज़ों को साफ करके एक तरफ छिलका वगैरह निकाल के कटर की हेल्प से इसे सबको कट कर लूँगी। तो इससे क्या होगा, फटाफट से एक ही आकार में ये सारी चीज़ें कट जाएंगी और फटाफट से हो भी जाएगा, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है बड़ा जल्दी वाला होता है। ऐसा लगता है कि फटाफट से नाश्ता बन जाए, क्लीनिंग हो जाए, जल्दी जल्दी सारे काम निपट जाए। तो मैं फटाफट से पहले इन सब का छिलका वगैरह निकाल के एक तरफ रख दूँगी, और कटर में इनको, तो मैंने खीरे को गोल गोल करके इसके ऊपर एक के ऊपर जमा दिया है, तो फटाफट से इनको मैं जमा दूँगी। तो क्या होगा, ये एक बार में कट हो जाएंगे। तो देखिए, इनको एक के ऊपर एक रख दिया है और एक बार में ये कट हो गए हैं। 2-4 नीचे गिर गए थे, तो देखिए ये भी कट हो गए हैं सारे। अब मैं प्याज को भी इनके 4 पीस करूँगी और टमाटर के भी 4 पीस करूँगी। तो एक एक करके इन सबको मैं कट कर लूँगी। देखिए कितने अच्छे से और जल्दी जल्दी कट हो रहे हैं ये। तो हमारी प्याज भी पूरी कट हो चुकी है। अब बारी आती है टमाटर की, तो इनके भी मैं 4 पीस कर लूँगी। तो मैं टमाटर को भी कट कर रही हूँ, और ये काफ़ी आराम से और आसानी से कट हो जाते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से और एक ही आकार में सारी चीज़ें कट हो चुकी हैं। तो अब मैं हरी मिर्ची लूँगी 2। अगर ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है तो मैंने 2 ली हैं, अगर ज़्यादा तीखी हो तो आप एक ही लीजिए, और आपके ऊपर है कि आप कितना तीखा खाते हैं। तो इसे भी मैं अच्छे से बारीक बारीक काट लूँगी। तो हरे धनिया को भी मैं कट कर लूँगी बारीक बारीक। हरे धनिया के बिना तो मज़ा ही नहीं आता है, कोई भी चीज़ हो हरा धनिया तो चाहिए, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे पुलाव हो, चाहे रायता हो, चाहे हरे धनिया के बिना मज़ा नहीं आता है। तो हरा धनिया ज़रूर डालें। फिर डालूँगी नींबू,
तो मैंने दो नींबू लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं, जो आजकल मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो एक चम्मच पल्प लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए, थोड़ा सा पतला कीजिए और उसमें मिला दीजिए, तो वो भी खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। तो देखिए चने मेरे बॉयल हो चुके हैं, मैंने एक चलनी में उन्हें निकाल लिया था और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और बच्चे भी बड़े आराम से शौक से खाते हैं, रिद्धिका को तो इतने पसंद है कि रोज़ बना दो तो रोज़ खा लेगी। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने कितने अच्छे से चॉप हो गई हैं, तो इन सबको मैं इसमें मिला लूँगी। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस मिलाएंगे। तो गलती से मैंने दूसरा डब्बा उठा लिया था, तो अब मैं लूंगी थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च। अगर आप इसको ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो थोड़ी सी कुटी मिर्च की मात्रा बढ़ा दीजिए, हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा दीजिए। तो अब मैं डालूंगी इसमें एक बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, फिर डालूंगी इसमें काला नमक, अपने स्वाद से डाल सकते हैं इसमें। फिर डालूंगी इसमें मैं चाट मसाला, एक चम्मच चाट मसाला तो बनता है। फिर डालूंगी इसमें नींबू, तो नींबू भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे मैं अच्छे से मिला लूंगी। दोस्तों इसको एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको ये कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और नोटिफिकेशन बेल पे, सॉरी बेल का जो बटन आएगा उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए चने मेरे तैयार हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी चने की। तो अब मैं बना रही हूँ भरमा करेले। तो मैंने रात नहीं नहीं मैंने 4 से 5 घंटे के लिए करेले को छील के धूप में रख दिया था नमक लगा के। फिर मैंने इवनिंग में इसको बॉईल कर लिया है और इसका छिलका भी बॉईल किया है, क्योंकि वो भी मैं डालूँगी इसमें। तो एक तरफ मैंने पैन रख दिया है, रिधिका आई थी तो उसको भूख लगी वहाँ से आके, अपने जो समर कैंप चल रहे हैं वहाँ से आई, उसको भूख लगी, उसको वहाँ से आके भूख लगती है, तो बोल के गई थी मम्मा पास्ता बनाना। तो मैंने कढ़ाई मैं सिंपल सा पास्ता बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करूँगी। तो मैंने थोड़ा पास्ते को बॉयल कर लिया है, थोड़ा सा ऑयल डाला और इसमें मैं पास्ते का मसाला डालूँगी टमाटो वाला। तो ये मैंने पास्ता टमाटो मसाला डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मिला लूँगी। जब ये सब मुझे थोड़ा सा मसाला कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा मसाला और ऐड कर दिया है। जब ये सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं तो फिर मैं इसमें डालूँगी
तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रेड चिली सॉस। फिर ऐड करूँगी टमाटो सॉस। अब इनको मैं अच्छे से मिला लूँगी। तो रेडी है मेरा पास्ता। तो पास्ता भी ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। आप भी इस तरह बनाते हैं क्या? अगर बनाते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो अब दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ करेले बनाने की तैयारी। तो मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें ऑयल डाला है, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लूँगी। और मैंने मसाला तैयार करके रख लिया है। 3 से 4 मैंने बड़े प्याज लिए थे और 10 से 12 लहसुन की कली, थोड़ा सा अदरक, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और देखिए मेरे करेले भी बॉईल हो चुके हैं, तो इनका मैं पानी निकाल लूँगी। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो मैं इसमें अब डालूँगी। तो थोड़ा ये थिक हो गया है, ये देखिए। और प्याज को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका तेल ऊपर ना आ जाए। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, जो मसाला उसमें रह गया था चिपका। तो देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, तो अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो 1 चम्मच डाला है मैंने हल्दी पाउडर, 1.5 से 2 चम्मच डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। अब इन्हें मैं अच्छे से मिला लूँगी। तो दोस्तों इसमें मैं ऐड करूंगी अब ज़ीरा पाउडर। तो 1 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, तो वो भी मैं अच्छे से मिला लूंगी इसे। फिर डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। फिर इसे भी अच्छे से मिला लूंगी मसाले को। फिर डालूंगी इसमें थोड़ा सी सौंफ। सौंफ को मैं थोड़ा कूट लूंगी। सौंफ मेरी कूट चुकी है, तो इसमें मिलाऊंगी मैं काली मिर्च, ये वाइट पेपर है, तो आप वाइट पेपर भी मिला सकते हैं। ब्लैक में वाइट पेपर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैंने 8 से 10 वाइट पेपर लिए हैं और इसको भी मैं कूट लूँगी। इससे क्या होता है, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है करेलों में। तो सौंफ मेरी कूट चुकी है, तो इसे मैं अच्छे से रैप करके, इसे अच्छे से मैं मसाले में मिला दूंगी। तो सौंफ मैंने डाल दी है और अब इस मसाले को मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, जिससे कि ये ड्राई हो जाए। तो देखिए तेल मेरा छूट चुका है मसाले में से, तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं डालना है। और 2 चम्मच डाले हैं अमचूर पाउडर, इसे भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी करेले को, जो मैंने छीला था उसको, जो बॉईल किया था, तो वो भी मैं इसमें मिला लूँगी। और तब तक पकाऊँगी जब तक कि ये मसाला ड्राई ना हो जाए। तो मसाले को इस तरह से ढक दिया है मैंने, और देखिए इस तरह ये ड्राई हो चुका है। तो मैंने इसे ठंडा होने के लिए एक बड़ी परात में निकाल लिया है। तो ये ठंडा हो चुका है, तो मैं धागे की जो रील आती है वो लूँगी, वाइट वाली, कलर वाली नहीं यूज़ करूँगी। तो अब इस मसाले को मैं इस करेलों में भर लूँगी, सभी करेलों में भर लेना है। और धागे को अच्छे से चारों तरफ रैप कर लेना है, उससे क्या होगा, ये करेले का जो मसाला है वो बाहर नहीं निकलेगा। और जब खाते हैं अब करेले, तो धागे को निकाल लेना है। तो सभी करेले में मैंने मसाला भर लिया है और सब पे धागा चढ़ा दिया है।
तो सभी करेले में मसाला भर दिया है और धागे से भी इसे अच्छे से रैप कर दिया है। अगर दोस्तों मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाय बाय।